क्लास इलेवेंथ और क्लास इलेवेंथ में कल के लेक्चर में पिछले लेक्चर मैंने आपको कंसंट्रेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था और कंसंट्रेशन में मैंने आपको पहली कंसंट्रेशन परसेंट डब्ल्यू वाई परसेंटेज मेथड पढ़ा दिया था। आज दूसरी कंसंट्रेशन स्टार्ट करनी है। दूसरी कंसंट्रेशन कौन सी है? मोल फ्रैक्शन। आज अपन लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या मोल फ्रैक्शन, ध्यान सुनना, इसका सिंबल कुछ लोग जाई बोलते हैं, कुछ लोग एक्स बोलते हैं, कुछ लोग काई बोलते हैं, जो भी बोलो अपन एक्स बोलेंगे, ठीक है। एक्स से इसको इंडिकेट करते हैं। तो कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। जरा फ्रैक्शन टर्म का मतलब समझो क्या होता है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन आपका, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ टोटल अमाउंट में कितनी है। अब ये फ्रैक्शन यहाँ पे मोल का पढ़े तो वो बात अलग है, बट जैसे अगर कोई तुमसे कहे जैसे पॉपुलेशन का फ्रैक्शन देखो, या चलो क्लास देख लो, क्लास में स्टूडेंट का फ्रैक्शन देखो, तो क्लास में दो टाइप के स्टूडेंट, एक गर्ल्स और एक बॉयज़। अगर हम आपसे कहें कि क्लास में टोटल स्टूडेंट 60 हैं, टोटल स्टूडेंट 60 है जिसमें 40 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं, इसका मतलब लड़कियों का फ्रैक्शन कितना हुआ? लड़कियों का नंबर अपॉन टोटल स्टूडेंट। तो लड़कियों का नंबर कितना? 20, और टोटल स्टूडेंट कितने? 60। तो 20 अपॉन 60 कितना हो गया? 1/3। अच्छा, लड़कों का फ्रैक्शन कितना हुआ? लड़कों का नंबर अपॉन टोटल स्टूडेंट, लड़के कितने? 40, टोटल स्टूडेंट 60, तो 40/60 कितना हो गया? 2/3। अच्छा, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो जब वो स्टूडेंट का फ्रैक्शन था तो स्टूडेंट में मैंने ये देखे गर्ल्स और बॉयज़। जब मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कितने मोल्स हैं, बात समझ रहे? कितने मोल्स हैं, जैसे मान लो एक ए है और एक दूसरा बी है, तो ए के मोल्स कितने हैं, बी के मोल कितने हैं, बात समझ रहे? तो फ्रैक्शन टर्म का सीधा सीधा मतलब है कि कोई चीज़ टोटल में कितनी है, इट्स मीन फ्रैक्शन। अच्छा, एक बात जानो जरा क्या होता है। ये आपका एक वेसल है और इस वेसल में आपके क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें आपके जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऑलवेज आपका 1 होता है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा 1 होता है। बट सॉल्यूट की अगर बात करो, सॉल्यूट की बात करो, तो सॉल्यूट का नंबर किसी भी सॉल्यूशन में 1 से ज़्यादा और 1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन कैसा है। जैसे आपको आजकल पता है कोरोना चल रहा है, कोरोना में काढ़ा चल रहा है, तो काढ़ा में क्या पानी लेते हैं, पानी में उसके बाद चीनी मिलाओ, काला नमक मिलाओ, फलाना ढिकाना जो मर्जी सो सब कुछ मिलाते हैं, ठीक है, जो कड़ू लगे वो सब मिलाओ, ठीक है, यही तो मतलब है। अच्छा, तो उसमें क्या है, जो वाटर है, वाटर उसमें सॉल्वेंट है, उसके अलावा तुम उस काढ़े में जो भी मिक्स कर रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है आपकी, वो सारी की सारी चीज़ें सॉल्यूट है, और वो काढ़ा क्या है, सॉल्यूशन है। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका ऑलवेज 1 होता है, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका सॉल्यूशन कैसा है। तो मोल फ्रैक्शन की अगर बात करो तो आपका मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू आप जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, किस जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल, समझना ध्यान से, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल अपॉन में टोटल मोल, क्या हो जाएगा, टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल अपॉन में टोटल मोल, ये फार्मूला है आपका मोल फ्रैक्शन का। अच्छा, जैसे आपसे बात की जाए, सर ये एक वेसल है और इस वेसल में आपके, इस वेसल के अंदर आपके एक ए है और दूसरा क्या है, वी है। मैंने कहा ए के 2 मोल हैं और बी के 3 मोल हैं। बी के कितने मोल हैं? 3 मोल हैं। तो व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? तो मैंने अभी क्या बोला था, स्टूडेंट के मोल, स्टूडेंट का फ्रैक्शन क्या था, स्टूडेंट का नंबर अपॉन टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट का फ्रैक्शन क्या था, स्टूडेंट का नंबर अपॉन टोटल स्टूडेंट। तो मोल फ्रैक्शन ए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सर ए का नंबर, ए के मोल कितने हैं, फार्मूला क्या है, ए के मोल कितने, 2, टोटल मोल कितने, 3+2, 5, दिस इज 0.4। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा बी के मोल 3, टोटल मोल 5, 0.6, कितना हो गया, 0.6, वेरी गुड। अच्छा, ध्यान से सुनना मेरी एक बात, बात क्या है, बात यह है कि जैसे हमने आपसे जब कहा था कि स्टूडेंट का फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन, स्टूडेंट का फ्रैक्शन, सर गर्ल्स का कितना आया था 20/60 मतलब 1/3, बॉयज का कितना आया था 40/60 इक्वल टू 2/3। तो आप ये देखो 1/3 + 2/3 का सम कितना है, 1, सम कितना है, 1, 0.4, 0.6 का सम कितना है, 1, कितना है, 1, इसका मतलब क्या हुआ,
फ्रैक्शन चाहे आपका कोई भी हो, फ्रैक्शन चाहे आपका कोई भी हो, फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। अब अपन लोग तो सॉल्यूशन पढ़ रहे हो और सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो ऑलवेज कितना आता है? 1 आता है। आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में दो ही चीज होती है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। लेकिन ऑलवेज सम कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज जरा यहां पे और देखेंगे, इस तरफ ध्यान से देखना कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 आया, कोई बात नहीं। सर अगर हम बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये रेशियो हो गया एक्स अपॉन एक्स बी। अच्छा, एक्स अपॉन एक्स बी क्या होगा सर? 2y5 / 3y5, 5 से 5 शहीद हो गए। एक्स अपॉन एक्स बी कितना आया? 2y3। ध्यान से देखो इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 2y3। 2 क्या था? 2 क्या था सर? 2 था ए के मोल और 3 क्या था? मोल्स ऑफ बी। 2 क्या था? मोल्स ऑफ ए, और 3 क्या था? मोल्स ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, ये टर्म आपका यूज होगा जब हम आपको कंसंट्रेशन मोलैलिटी पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए क्या है, ये 2 क्या है, मोल्स ऑफ ए, 3 क्या है, मोल्स ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन रेशियो इज इक्वल टू द मोल रेशियो। मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके बराबर होता है? मोल रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक है कि मोल फ्रैक्शन रेशियो इज इक्वल टू द मोल रेशियो। मोल फ्रैक्शन रेशियो किसके बराबर होता है? मोल रेशियो के बराबर होता है। बात समझ में आई? ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन का अगर रेशियो निकालोगे, जैसे ए और बी का मोल फ्रैक्शन, ए और बी के मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना, तो क्या होगा? जो ए के मोल होंगे अपॉन जो बी के मोल होंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके बाद अभी एक क्वेश्चन न्यूमर का लगवाएंगे, नोट करो एक सेकंड में। ठीक है, आगे देखो। चलिए, एक क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल एच 46% बाई मास, 46% बाई मास, देन व्हाट इज द, ध्यान से देखना, देन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? चलिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में हम ये पहले जान लें कि सर सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। और आपने एक तो बहुत बड़ा टर्म बोल दिया कि 46% बाई मास, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस टर्म्स। चलिए, मैंने आपको पिछली कंसंट्रेशन जब आपको पढ़ाई थी, तो मैंने पिछली कंसंट्रेशन में आपको क्या बताया था? परसेंटेज मेथड था, WIW, WIV, VYV, सब परसेंटेज मेथड थे। तो उसी का तो ये टर्म है, 46% बाई मास मतलब 46% WIW। और इसका मतलब क्या बताया था कि 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट्स मीन 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, सॉल्यूट है कौन? इथाइल एल्कोहल। इस क्वेश्चन में सॉल्यूट कौन है? इथाइल एल्कोहल। सर सॉल्वेंट तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, आपने कहीं सॉल्वेंट का नाम ही यूज नहीं किया है, हमें कैसे पता चलेगा सॉल्वेंट कौन है? कोई बात नहीं, हम पता करके देखेंगे ना कि सॉल्वेंट कौन है। सर यहां पे क्या लिखा है? एक्वस। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब क्वेश्चन में टर्म एक्वस लिखा होगा, इट्स मीन इट्स सॉल्वेंट इज वॉटर। इसका सॉल्वेंट कौन होगा? वॉटर, H2O। चलिए, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? इथाइल एल्कोहल। व्हाट इज द फार्मूला? C2H5OH। कितना है? 46 ग्राम। अच्छा,
इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, व्हाट इज, कितना है टोटल सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूट 46 ग्राम, 100 माइनस 46 कितना बचेगा 54 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन बराबर क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट मुझे पता है तो डेफिनेटली सॉल्वेंट कितना होगा 100 से माइनस करके आएगा। अच्छा हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन से मास से क्या मतलब है, मोल फ्रैक्शन को तो फार्मूला ये है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, तो इसके हम क्या बनाए मोल, तो यहां पे अगर इसके मोल बनाओगे क्या बनाओगे मोल, तो मोल कैसे बनेंगे, मोल बनाने का फार्मूला क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट 46, व्हाट इज द मोल का वेट ऑफ एथाइल अल्कोहल, इधर देख लो बिना पढ़े लिख लो C2H5OH, कार्बन कितना होता है 12 into 2 हाइड्रोजन 1 into 5 ऑक्सीजन प्लस 16 प्लस 1 इतना सम आएगा 46, तो 46 डिवाइड बाय 46 इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 1 मोल। यहां पे मोल्स ऑफ वाटर देखो, वाटर के मोल कितने होंगे, गिवन वेट 54, मॉलिक्यूलर वेट 18 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 3 मोल्स, तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, सॉल्यूट का मोल कितना 1, टोटल मोल कितने 3 प्लस 1 4 0.25, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्वेंट के मोल 3, टोटल मोल 3 प्लस 1 4 0.75, जरा देखो सम कितना आ रहा है 0.25 प्लस 0.75 का सम कितना है 1, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन का सम इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमेशा कितना आएगा 1। अच्छा ये कंपलसरी नहीं है कि दो चीजें हो तभी सम आएगा 1, तीन चीजें चार चीजें छह चीजें आठ गैसें हो नौ गैसें हो चाहे कुछ भी हो लेकिन सम हमेशा कितना आएगा 1, बात समझ में आई। तो एक तो बात ये समझ लो, दूसरी ये याद रखो कि मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है 1, और तीसरी ये याद रखो कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके बराबर होता है मोल रेशियो के बराबर होता है। आज के लेक्चर में इतना ही है, कुछ आगे चेंज होके आपको अगले लेक्चर मिलेगा। ओके थैंक यू।